नमस्ते, मेरा नाम उमा है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। हैदराबाद गैंगरेप और मर्डर केस में एक नया अपडेट आया है। रेप विक्टिम की जली हुई लाश की डीएनए रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में साफ हुआ है कि लाश वेटनरी डॉक्टर की ही थी और उसके शरीर पर मिले सेमिनल स्टेन्स या सीमेन के दाग उन चार आरोपियों के ही थे जिन्हें इन मामलों में गिरफ्तार किया गया था और बाद में एनकाउंटर में वो मारे गए थे। रिपोर्ट में लिखा है जो बॉडी नेशनल हाईवे 44 के एक ब्रिज के नीचे पाई गई थी उसका डीएनए डॉक्टर के परिवार के डीएनए से मैच हो गया है, यानी इससे साफ हो गया है कि वो बॉडी डॉक्टर की ही थी जिन्हें जलाया गया था। डॉक्टर के कपड़ों यानी स्कार्फ और अंडरगार्मेंट्स के साथ साथ उनके सामान पर सेमिनल स्टेन्स पाए गए हैं जो उन चारों आरोपियों से मैच करते हैं। डॉक्टर के लिवर टिश्यू में अल्कोहल की कुछ मात्रा भी मिली है। इससे पता चला है कि रेप से पहले डॉक्टर को शराब पिलाई गई थी। बता दें कि 27 नवंबर को वेटनरी डॉक्टर अपने घर से निकली थी। रात 9:30 बजे के करीब उनकी अपनी बहन से बात हुई थी और उनकी गाड़ी पंचर हो गई है, दो लोग मदद का ऑफर कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने अपनी बहन को बताया था। लेकिन उसकी अगली सुबह यानी 28 दिसंबर को एक ब्रिज के नीचे उनकी जली हुई लाश मिली थी। जांच में सामने आया था कि गैंगरेप के बाद उनका मर्डर कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में जांच की थी, चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और 6 दिसंबर को वो एक एनकाउंटर में उन चारों को मार गिराया था। 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने कहा कि इस मामले की निगरानी के लिए किसी पूर्व जज को नियुक्त किया जाएगा। न्यूज एजेंसी एनआई के ट्वीट के मुताबिक कोर्ट ने कहा था, वहीं वेटनरी डॉक्टर के पिता ने भी आरोपियों के एनकाउंटर के बाद उन आरोपियों के परिवार के लिए हमदर्दी जताई थी। कहा था कि चार लोगों के गलत काम की वजह से 5 परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि जिन चार लोगों की वजह से उनकी बेटी को मारा गया है वो भी मारे जा चुके हैं, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। 5 परिवार मुश्किल में पड़ गए हैं, इस तरह के अपराध होने ही नहीं चाहिए। जो भी मारे गए हैं उनके माँ बाप, उनका परिवार और पुलिस, सबको बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। क्या इस तरह के अपराध करने की ज़रूरत थी? वहीं इन सब के बीच तेलंगाना के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में दिशा कानून विधानसभा में पास हो गया है। इसके मुताबिक अब रेपिस्ट को 21 दिन के अंदर कोर्ट सजा सुनाएगी और रेप और यौन शोषण के मामले में 14 दिन के अंदर ट्रायल खत्म करना होगा। इस कानून के आने के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी पीएम मोदी को लेटर लिखा और पूरे देश में इस बिल को लागू करने की मांग की है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा गूगल प्ले स्टोर से आप एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।